Hi everyone, welcome back my YouTube channel Biology by KD Sir. Today I will discuss about very important topic sex determination. तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे लिंग निर्धारण क्या है, किस तरह से होता है और मनुष्य के अंदर तथा बाकी दूसरे जीवों के अंदर लिंग निर्धारण की क्रिया किस तरह से कंप्लीट होती है. तो हमें ये पूरा मैटर समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान देना होगा, जैसे कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है तो वो उसे जानना बहुत ज़रूरी है. तो आइए हम बहुत शॉर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं. तो जनरली हमें पता है कि जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट का मतलब अर्थात जो स्पर्म सेल होती है, तो स्पर्म सेल क्या होता है, मेल गैमेट होता है. अगर ये ओवम सेल के साथ फ्यूज कर जाए, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करे, किसके साथ, एक तरह से ओवम के साथ फ्यूज कर जाए, तो फीमेल गैमेट अर्थात ओवम के साथ फ्यूज कर जाए तो इन दोनों के फ्यूजन फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, सिनगैमी बोलेंगे. तो ऐसी स्थिति में फॉर्मेशन होता है जायगोट का. तो ये जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से हुआ, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के कारण हुआ. अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो स्पर्म सेल होता है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से स्पर्म सेल होगा. अब ये ओवम सेल के साथ इस तरह से फ्यूज करता है तो इन दोनों के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसके ठीक बाद वाली जो स्टेज होती है वो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाली कंडीशन क्या है, हैप्लॉयड, ये वाली कंडीशन क्या है, हैप्लॉयड, और जबकि जायगोट वाली कंडीशन क्या है, डिप्लॉयड. तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की तो यहाँ पे 23 नंबर आप क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 23 नंबर आप क्रोमोसोम, जबकि यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, 46. तो ये 23 अर्थात आधे होते हैं मेल के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में. तो यहाँ पे 23, यहाँ पर 23, और इस तरह से जो डिप्लॉयड जायगोट बनता है उसमें 46 होते हैं. अब इसी तरह से यहाँ पे ये जो यन है, हैप्लॉयड नंबर है, ये 23 के लिए है. इसी तरह से ये हैप्लॉयड नंबर 23 के लिए है. तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु की कोशिका, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु की कोशिका, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 23-23 होती है अर्थात ये हैप्लॉयड होते हैं. और इन दोनों के मिलने से ही जायगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 न होकर 46 होती है. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46 हो गए. और अगर पेयर में बात करेंगे तो 23 पेयर्स हो जाते हैं. तो एक तरह से 23 पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं, किसके अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर होते हैं अर्थात जायगोट के अंदर होते हैं. और इसी वजह से यहीं से ये जो जायगोट होता है ये बाद में डेवलप होकर एम्ब्रियो में बदल जाता है और यही नए प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है. तो यही जो एम्ब्रियो होगा वो न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है. तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ह्यूमन बींग्स में या फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, उसमें जो मेल गैमिट सेल होती है, स्पर्म सेल होती है, ओवम सेल के साथ फ्यूजन करती है अर्थात इन दोनों के फ्यूजन की प्रोसेस होती है, सिनगैमी की प्रोसेस होती है. उसके बाद की स्टेज को हम लोग सिनगैमी कहते हैं और उससे बनता क्या है, जायगोट. और यही जायगोट बाद में किस में, एम्ब्रियो में बदल जाता है और एम्ब्रियो ही बाद में नए प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है. तो नए जीवधारी का जो निर्माण होता है वो ऑलरेडी एम्ब्रियो के डेवलप होने के बाद होता है. तो ये ओवरऑल जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं. तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया, इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन. अभी हमें ध्यान देना है कि ये जो स्पर्म सेल है ये कहाँ से बनी, कब बनी. तो स्पर्म सेल की जो प्रोसेस होती है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनती है. तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, अंडाणु और शुक्राणु जनन की जो क्रियाएँ होती हैं, तो शुक्राणु जनन की जो क्रिया होगी वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होगी और जो अंडाणु जनन की क्रिया होगी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होगी. तो एक तरह से जो अंडाणु और शुक्राणु की जो क्रिया हो जाती है, बनने की जो प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसके बाद की जो स्टेज होती है उसमें उनके फ्यूजन की या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आती है. तो ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज के इस वीडियो में हम केवल देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो मेल गैमिट होगा वो ऑलरेडी मेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और जो फीमेल गैमिट होगा, ओवम सेल होगी, वो फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी. तो ये जो मेल गैमिट बना और जो फीमेल गैमिट बना, इन दोनों के फ्यूजन के बाद की जो स्टेज, जायगोट वाली जो स्टेज है, ये डिप्लॉयड वाली स्टेज, जो जायगोट वाली स्टेज है, इसी में ऑलरेडी क्या होता है, सेक्स का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है. मतलब जो लिंग का निर्धारण है, जो जो नया प्रोजेनी होगा
वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये बात पूरी तरह से जायगोट में ही क्लियर हो जाती है। फिर यही बाद में जब डेवलप होके एम्ब्रियो या फिर नया प्रोजेनी बनाता है, नए जीव को निर्मित करता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका सेक्स का डिटर्मिनेशन जायगोटिक स्टेज में ही हुआ था, जायगोट वाली कंडीशन में ही हो गया था, उसी के अकॉर्डिंग उसमें डेवलपमेंट होता है। जैसे एक होता है एस आर वाई जीन, तो सेक्स रीजन जो जीन होता है एस आर वाई जीन जो होगा, जैसे कि मेल के केस में बात करें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर ये वाई वाला जो जीन है वो डोमिनेंट हो गया नए प्रोजेनी के अंदर, जायगोट के अंदर अगर वाई वाला डोमिनेंट हुआ, तो जो एस आर वाई वाला जीन होगा, तो सेक्स रीजन वाला जो जीन होगा वो एक तरह से ये क्या करेगा, टेस्टिस को डेवलप करेगा, ये टेस्टिस का डेवलपमेंट करेगा और इसके अकॉर्डिंग ये मेल लास्ट में जो नया प्रोजेनी बनेगा वो मेल को प्रोड्यूस करेगा। और इसी तरह से जो फीमेल होता है, अगर इसमें एक्स एक्स है, मतलब जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर उसमें एक्स एक्स है, तो एस आर वाई जो जीन होगा वो एक तरह से काम नहीं करेगा, और ऐसी स्थिति में ये टेस्टिस को न डेवलप करके ये ओवरी को डेवलप करेगा, क्या, तो जो जायगोट होगा वो एक तरह से ओवरी को डेवलप करेगा और बाद की जो स्टेज होगी उसमें फीमेल का फॉर्मेशन होगा, तो फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक तरह से ये क्या है, जो एक्स वाई है ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक्स एक्स क्या है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये मेल के लिए है और ये वाला फीमेल के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों को जो 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें हम एक को मेल तो दूसरे को फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोसोम। तो हेट्रोसोम क्या होते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हेट्रोसोम का मतलब जब दोनों एक जैसे न हो, तो आप ध्यान दीजिए हेट्रोसोम वाली कंडीशन हमें केवल मेल के केस में देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे फीमेल के केस में दोनों जो पेयर हैं 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, ये पूरी तरह से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक्स एक्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग नाम दे देते हैं ऑटोसोम, इन्हें नाम देते हैं हम लोग ऑटोसोम। तो ये भी ऑलरेडी सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करेगा, लेकिन जो फीमेल के केस में जो एक्स एक्स होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किसी भी तरह से रिस्पांसिबल नहीं होता है, पूरी तरह से जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वो एक्स वाई की होती है। तो जो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है मेल का, वही एक तरह से क्या करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही हम अगर बात करें यहाँ पे, तो जो ये एक्स वाई क्रोमोसोम होता है इसी को हम लोग कहेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे असमजात गुणसूत्र, मतलब एक तरह से ये एक जैसा नहीं है, इसी वजह से इसे कहेंगे असमजात गुणसूत्र, और ये वाला क्या होगा, समजात गुणसूत्र। तो इन दोनों में अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है हमें, जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स के केस में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल सेल के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, और अगर हम जोड़े में बात करें तो इनमें टोटल पेयर्स कितने हो जाते हैं, 23। तो 23 जोड़े में गुणसूत्र ह्यूमन बींग्स में हर सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहली जोड़ी होती है एक्स एक्स होती है, और इसके बाद जो 22वीं जोड़ी होती है वो भी एक्स एक्स होती है। तो पहली जोड़ी से लेके 22वीं जोड़ी तक के जो गुणसूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इसी वजह से इन्हें हम लोग नाम देते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, इन्हें हम लोग नाम दे देते हैं ऑटोसोम, या फिर इन्हीं को कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम बोलिए या फिर इसी को कहिए होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो स्थिति होती है ये मेल के केस में भी होती है और फीमेल के केस में भी होती है, नर और मादा दोनों के केस में ये कंडीशन ये एंड है। तो यहाँ मेल के केस में और फीमेल के केस में जो पहली जोड़ी से 22वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं ये यक्स यक्स ही होते हैं, और इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे यक्स वाई जो 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम होता है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये मेल के केस में ये क्या करते हैं, एक तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यक्स यक्स फीमेल के केस में, अगर हम बात करें तो फीमेल के केस में ये जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा इसका किसी भी तरह से
कोई रोल नहीं होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो कुल मिला के जो मेल होता है वही ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल तो नहीं होगा लेकिन उसके जो क्रोमोसोम होते हैं वही एक तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हाल में एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, दंगल, आमिर खान की। तो उसमें देखते हैं, बताया गया है कि किस तरह से गांव वाले अलग अलग तरह के मेथड बताते हैं कि देखो ये अमावस्या की रात रहनी चाहिए, दिन रहना चाहिए, रात रहनी चाहिए, संडे मंडे, ये दुनिया भर का बताते हैं। तो उसमें देखा गया है कि किस तरह से जैसे पहले की जो मान्यताएँ थी वो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार या फिर लोग गांव में या शहरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके अनुसार बताया जाता है कि कई सारी कंडीशंस होती है, ग्रहों की नक्षत्र पे सेक्स डिटर्मिनेशन पूरी तरह से डिपेंड करता है या फिर हवाओं की चाल पे डिपेंड करता है, ग्रहों की चाल पे, हवाओं की चाल पे या दूसरे फैक्टर होते हैं उसके लिए सेक्स, मतलब कि सेक्स का उसके अनुसार डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन सन 1902 में मैकलॉन्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थियोरी दिया किसका, वो थियोरी जब प्रपोज करेंगे तो जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, आपको पता है सन 1900 में जो तीन वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डिब्रिज, कार्ल कारेंस और एरिक सरमैक, जब मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ये रीडिस्कवर करते हैं तो ऐसी स्थिति के बाद ही मैकलॉन्ग देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो एक तरह से ग्रहों की चाल पे या फिर हवाओं की चाल पे या दिन और रात पे निर्भर नहीं करता है, किसी दिन पे निर्भर नहीं करता है, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम पे। तो इन्होंने काफ़ी इस पर वर्क किया और एक थियोरी प्रपोज किया जिसका नाम था क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब इन्होंने इस थियोरी के अंतर्गत ये पूरी बातें क्लियर की कि किस तरह से जीवों के अंदर जो लिंग निर्धारण की क्रिया होती है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो किसी दिन रात या फिर ग्रहों की चाल या फिर हवाओं की चाल पे निर्भर नहीं करेगा, वो पूरी तरह से क्रोमोसोम पे अर्थात गुणसूत्रों पे निर्भर करता है। तो इसी कड़ी में आइए हम देखते हैं कि अलग अलग जीवों के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, किस तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होगा और बाकी जीवों के अंदर जो लिंग निर्धारण की जो क्रिया होती है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स के केस में देखा गया है कि जो XX क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के, ये किसका क्रोमोसोम होगा, एक तरह से फीमेल में होगा, और उसके बाद मेल में क्या होता है, XY होता है, ये किसके लिए होगा, मेल के लिए होगा, XY। अगर इन दोनों का हम आपस में क्रॉस कराएं तो हमने आपको बताया है कि जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल के केस में होता है XY, वो क्या वो होगा मेल के लिए, और XX जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। तो इसका क्रॉस करा देते हैं। अब क्रॉस आप तो एक तरीका ये है कि इस तरह से आप करा लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप कराएंगे तो यक्स यक्स आएगा, तो यहाँ पे मैंने यक्स लिया और यहाँ से यक्स लिया, यक्स यक्स मैंने छाप दिया ज्यों का त्यों। अब ये जो चाइल्ड होगा वो एक तरह से क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगी। और अगर इसी का क्रॉस हम वाई वाले के साथ करा दें, पहले वाले का क्रॉस हम वाई वाले के साथ कराएं, तो ये कंडीशन इस तरह की होगी, एक्स वाई होगी, और यहाँ पे ये जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, फीमेल न होकर मेल होगा। सेम इसी कंडीशन में अगर इसका क्रॉस हम एक्स एक्स के साथ फिर से एक बार कराएं, दूसरे वाले से पहले जीन के साथ कराएंगे तो यक्स यक्स होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुनः फिर से क्या होगी, एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा। और इसी तरह से अगर हम इसका क्रॉस फिर दूसरे वाले से कराएंगे तो इस कंडीशन में यक्स वाई आएगा, अर्थात ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल चाइल्ड के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 50% जो मेल होते हैं और 50% फीमेल। तो ऐसी अगर कंडीशन होगी तो F1 जनरेशन के अंदर जो चांसेस होते हैं वो 50-50 के होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कई सारे साइंटिस्टों ने ये पूरी तरह से क्लियर किया कि जो मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है, मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है वो एक तरह से 50-50 का होना चाहिए। मतलब होता भी है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अगर एक बार कोई लड़की या लड़का पहली बार होता है तो दूसरे बार में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि डिफरेंट सेक्स की, मतलब जैसे लड़की पहली बार हुई तो दूसरी बार लड़का होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर रेशियो 50-50 का ना होके ये नियर अबाउट 50 और 51 का या फिर ये 52 का या फिर 50
3 का हो जाता है। अर्थात जैसे हम बात करें 100 लड़के हैं तो इन पे जो समाज में आप रेशियो देखेंगे पूरे मतलब विश्व की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 101 लड़कियाँ हो गई सॉरी लड़के हो गए, या फिर 101 की बजाय 102 लड़के हो गए, या फिर 103 या 6 इस तरह से कुछ भी रेशियो हो जाता है। मतलब अगर 100 लड़कियाँ हैं तो 100 लड़कियों पर टोटल जो लड़कों की संख्या होनी चाहिए 100 लड़कियों पर वो 100 की होनी चाहिए, तो परसेंटेज एक तरह से बराबर होगा मेल का और फीमेल का पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें देखा गया है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों से उनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है, तो 101, 102, 103, 104 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो एक तो कारण ये होता है कि इस तरह से उनमें कुछ डिफरेंस आते हैं, और इसकी वजह क्या होती है, इसकी मेन वजह ये होती है कि अगर हम बात करें यक्स वाई की, तो यक्स वाई गुणसूत्र के अंदर यहाँ पे एक जीन ये है दूसरा वाई वाला हुआ, एक यक्स वाला है दूसरा वाई वाला, तो जो वाई जीन होता है, वाई जो जीन होगा इसका जो भार होता है, इसका भार क्या होता है यक्स के कंपेयर में थोड़ा सा हल्का होता है, तो यक्स के कंपेयर में वाई का भार जो होगा थोड़ा सा हल्का होगा। तो जब जो ओवम होता है, ओवम को जब फ्यूज करने की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में जो वाई वाला जीन मतलब कि एक तरह से जो यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, स्पर्म में दो तरह की कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पर्म के अंदर एक कंडीशन बनेगी कि स्पर्म क्या हो, पूरी तरह से इसमें वाई हो, वाई जीन हो, और दूसरा स्पर्म जो होगा उसमें यक्स जीन हो। तो क्योंकि अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो तरह की कंडीशन बनाएगा, तो कैसे कंडीशन बनाएगा, ए प्लस यक्स वाला बना सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑटोसोम भी तो होंगे, तो ऐसी स्थिति में ए प्लस यक्स बना सकता है, या फिर ये बना सकता है ए प्लस वाई वाली। तो अगर ए प्लस वाई वाली कंडीशन होती है, मतलब ऑटोसोम होंगे उसके टोटल, और प्लस उसमें क्या होगा वाई वाला अगर डोमिनेंट होता है, भार में भी हल्का होता है, तो ऐसी स्थिति में जो ये ओवम सेल है, यहाँ पे जो ओवम है, ओवम को ज़्यादातर फ्यूज करने का जो चांस होता है वो वाई वाले का होता है। तो ऐसी कंडीशन के कारण ही यहाँ पे जो मेल का रेशियो है वो फीमेल के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसकी एक दूसरी वजह होती है कि लोग एक तरह से क्या करते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है, खास करके कई तरह की जांचें होती हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या फिर हम लोग एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से पता कर लेते हैं कि जो बच्चा गर्भ में होता है, फीटस जो होता है वो मेल है कि फीमेल है, और ऐसी स्थिति में उसका मतलब MTP मेडिकल टर्मिनेशन करा दिया जाता है, एबॉर्शन करा दिया जाता है फीमेल चाइल्ड अगर होती है। तो ज़्यादातर केस में जो भ्रूण हत्या आपने सुना होगा, भ्रूण हत्या, तो भ्रूण हत्या यही है कि जैसे गर्भ की जांच कराना, और अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसका एबॉर्शन कराना, गर्भपात कराना, और अगर वो मेल चाइल्ड है तो उसे पूरी तरह से मतलब कंडक्ट करना। तो ये कंडीशन भी होती है समाज में, काफ़ी अलग अलग मानसिकताएं हैं लोगों की, तो इस आधार पे भी जो रेशियो है मेल और फीमेल का वो समाज में थोड़ा सा वेरी करता है। तो ये तो मैंने बात किया मेल के केस में, तो मेल के केस में इसी तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो लेकिन अगर हम इसे एक दूसरे मेथड के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे पुनेट स्क्वायर मेथड के माध्यम से भी इसे क्रॉस करा के आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक साइड में यक्स यक्स लिख दिया तो ये किसके लिए है, फीमेल के लिए है, और एक साइड में मैंने एक्स वाई लिख दिया तो ये किसके लिए है, मेल के लिए है। अगर इनका क्रॉस आप आपस में करा लीजिए तो यहाँ पे यक्स यक्स आया, इस बॉक्स में भी यक्स यक्स आया, इसमें यक्स वाई आया, और इसमें भी यक्स वाई आया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों बॉक्स से जो मतलब नया प्रोजेनी होगा वो क्या होगा, मेल होगा पूरी तरह से, और इन दोनों बॉक्स से ऊपर वाले बॉक्स से अगर आप चेक करेंगे तो जो न्यू प्रोजेनी होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। तो ऐसी कंडीशन जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो पूरी तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर किस पे डिपेंड करती है, वाई जीन पर डिपेंड करती है, वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करती है, और यक्स क्रोमोसोम इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करता है। लेकिन अब समस्या क्या आती है, गाँव में खास करके देखा गया है कि जो सासू माँ लोग होती हैं वो बहू को एक तरह से जिम्मेदार मानती है, बेटे को जिम्मेदार कभी नहीं मानेंगे कि बेटे की वजह से मतलब मेरे जो बहू है उसमें वो बच्चे को लड़के को जन्म न देके वो लड़की को जन्म दे रही है, उसकी वजह बहू नहीं है, उसकी वजह उसका बेटा है, बेटा मतलब उसका क्रोमोसोम है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं चाहता है कि वो लड़की हो या लड़का हो, या कोई नहीं चाहता है कि लड़की हो या लड़का हो, लेकिन जब कंडीशन पे वो डिपेंड करता है कि किस समाज की स्थिति कैसी है उसके आधार पे। तो ये पूरी तरह से क्लियर होता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, जो लिंग का निर्धारण होगा, उसके लिए पूरी तरह से मेल ही रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी भी फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी ह्यूमन बींग्स के केस में। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे जीवों की, ग्रास ऑपर की बात करें, तो ग्रास ऑपर में देखा गया है कि अगर यक्स यक्स वाली कंडीशन होती है, यक्स वाली कंडीशन होगी, तो ये इसके लिए वो क्या होगा, वो फीमेल होगा। यक्स यक्स की केस में वो फीमेल होगा। और अगर उसमें एक यक्स डिलीट हो जाए, एक मतलब कम हो, यक्स जीरो हो, तो ऐसी कंडीशन किसके लिए होती है, मेल के लिए होती है। तो आप ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स के केस में कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम है। लेकिन अगर हम ग्रासहॉपर की बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, वो एक तरह से अब मेल का जो क्रोमोसोम होगा वो फीमेल के कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये यक्स जीरो है और यहाँ पे ये क्या है, यक्स यक्स है। मतलब अगर इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर हम जैसे बात करें, इसमें अगर 6 क्रोमोसोम हैं तो मेल में कितने ही होंगे, केवल 5 ही होंगे। इस तरह से मतलब एक क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका एक जो जोड़ी है इसकी वो एब्सेंट है। अब इसमें देखते हैं कैसे लिंग का निर्धारण होता है। तो आप ध्यान दीजिए, हमने क्या आपको बताया कि इस तरह से अगर हम पुनेट स्क्वायर मेथड यूज करें, सेम इसी तरह से बॉक्स बना लें और एक साइड में यक्स जीरो लिख दिया मैंने, तो यक्स जीरो लिखा तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरे साइड में मैंने यक्स यक्स को लिखा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसका क्रॉस कराएंगे तो पहले बॉक्स में क्या आ रहा है, रिजल्ट यक्स यक्स आ रहा है, दूसरे बॉक्स के अंदर यक्स जीरो आ रहा है। इसमें क्रॉस कराएंगे यक्स यक्स आएगा और इसमें क्रॉस कराएंगे तो यक्स जीरो आएगा। अब इन दोनों बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, मेल होगा। मतलब जो ग्रासहॉपर होगा अगर उसमें कंडीशन यक्स जीरो वाली है तो वो मेल होगा। और इस दोनों बॉक्स के अंदर देखेंगे तो ऐसी कंडीशन के लिए जो ग्रासहॉपर का जो सिक्स होगा वो एक तरह से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से ग्रासहॉपर के अंदर जो सिक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो होगा। तो ग्रासहॉपर में खास करके हमें क्या ध्यान देना है कि जो मेल होता है, मेल के अंदर यक्स वाई जैसी कोई स्थिति नहीं होती है, उसमें जो सिक्स क्रोमोसोम होते हैं खास करके उसमें एक यक्स कम होता है, एक सिंगल यक्स होता है, तो दूसरे के स्थान पे हम जीरो लिख देते हैं, तो यक्स जीरो वाली कंडीशन मेल के लिए होती है जबकि यक्स यक्स वाली कंडीशन फीमेल के लिए होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ बर्ड्स में और फिशेस की अगर हम बात करें, तो बर्ड्स और फिशेस के केस में देखा गया है कि अगर वहाँ पे क्या होगा कि सेम होमोजाइगोटिक कंडीशन होगी, अगर होमोजाइगोटिक वाली स्थिति होगी, सेम तरह के गुणसूत्र होंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें जो मतलब कि जो सिक्स डिटर्मिनेशन होगा सेम वाली कंडीशन वो मेल के लिए होगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो जो दूसरे बर्ड्स और फिशेस होती हैं उसमें जो सिक्स का डिटर्मिनेशन होता है, जैसे आप ध्यान दीजिए जेड जेड, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो जेड जेड वाली कंडीशन में ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक तरह से ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा मेल के लिए। तो अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सेम टाइप के गुणसूत्र हैं, तो ये मेल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा, और जेड डब्ल्यू वाली अगर कंडीशन है तो ये फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट क्रोमोसोम किसके अंदर है, फीमेल के अंदर है, जबकि ह्यूमन बींग्स के केस में हमने देखा था कि यक्स वाई किस में था, मेल के अंदर था, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ जेड डब्ल्यू इसे दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया है, तो जेड डब्ल्यू किसके केस में है, फीमेल के केस में है, जबकि जेड जेड किसके केस में है, मेल के केस में है। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर हम क्रॉस करा के चेक कर लें तो पूरी तरह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंपल है, वही तरीका है, जेड जेड एक साइड में लिखेंगे, जेड डब्ल्यू को दूसरी साइड में, ये किसके लिए है, मेल के लिए है, और इधर वाला किसके लिए है, फीमेल के लिए है। तो यहाँ पे हम क्रॉस कराएंगे जेड जेड, ये क्या होगा, मेल होगा, और यहाँ पे भी कराएंगे तो ये भी क्या होगा, मेल होगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे ये जेड डब्ल्यू वाली कंडीशन जो आ रही है ये किसके लिए होगी, फीमेल के लिए होगी। तो जो बर्ड्स होती हैं अर्थात जो चिड़ियाँ होती हैं, उसके अलावा जो फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनमें अगर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होगी, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होगी सेक्स क्रोमोसोम की, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फीमेल के लिए। और होमोजाइगोटिक कंडीशन होगी, होमोजाइगोटिक कंडीशन होगी तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल के लिए। मतलब होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन मेल को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, फीमेल को। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके अंदर बटरफ्लाई के अंदर अगर देखें तो बटरफ्लाई के अंदर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। वहाँ पे क्या होगा कि अगर जेड जेड होगा, मतलब सेम यही कंडीशन ले लेते हैं, अगर जेड जेड वाली स्थिति रहेगी तो इस कंडीशन के कारण जो
मतलब ही सेक्स होगा डिटरमाइन किया जाएगा, वो किसके लिए होगा, फीमेल के लिए होगा। तो जिड जिड वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो इसका सेक्स डिटरमाइन किया जाएगा जिड जिड वाली कंडीशन में, वो एक तरह से फीमेल को शो करेगा। सॉरी, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे जिड जीरो होगा। जिड जीरो के लिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो ये होगा जिड जिड रहेगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि जिड जीरो वाली जो कंडीशन होगी, जिड जीरो हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को। तो मेल के केस में देखा गया है, खास करके जो बटरफ्लाई होती हैं और मौत होती हैं उनके अंदर अगर ऐसा देखा जाए तो जिड जिड किसके लिए होगा, मेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो जिड डब्लू होगा वो एक तरह से फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसका भी क्रॉस अगर हम कराएं, इन दोनों को भी अगर ऐसे चेक करें, तो इन दोनों का भी अगर क्रॉस कराएंगे तो सेम वही बड़ा सिंपल तरीका है। इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो होगी जेड और जेड वाली, और यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो होगी जेड और जेड जीरो वाली। तो जेड जेड वाली कंडीशन किसके लिए है पता है हमें, वो होमोजाइगोटिक कंडीशन मेल के लिए है, होमोजाइगोटिक कंडीशन मेल के लिए है। जबकि यहाँ पे हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन जो इन दोनों बॉक्स के अंदर दिख रही है वो किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करी है, फीमेल को। तो इस तरह से जो बटरफ्लाई होती है उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने काफ़ी लगभग सभी जीवों के विषय में देखा, ज़्यादातर जो आपके सिलेबस में है, NCERT में जो इंक्लूड हैं उनको मैंने डिस्कस किया। बाकी इसी तरह से दूसरे जीवों के अंदर भी गुणसूत्रों का वो होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो जो यक्स यक्स है, यक्स यक्स क्या है, ये एक तरह से पेयर है, जोड़े में है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी इसमें ऑटोसोम होगा प्लस इसका एक यक्स होगा। तो एक, जैसे हम बात करें ओवम की, तो ओवम जो होगा उसमें दो अलग अलग टाइप के वो बनेंगे, जीन होंगे। तो इसमें एक ऑटोसोम होगा, दूसरा क्या होगा, यक्स क्रोमोसोम होगा। और दूसरी कंडीशन इसके साथ सेम यही होगी, ए और यक्स होगा। तो एक तरह से ये किसके केस में है, फीमेल के केस में है, ये फीमेल के केस में होगा, फीमेल के केस में होगा। और इसी तरह से अगर हम सेम कंडीशन देखें मेल के केस में देखें, तो यक्स वाई वाली जहाँ जो स्थिति होती है, तो इसमें एक तो ऑटोसोम होगा और दूसरा जो होगा इसमें यक्स हो सकता है। तो ये जो स्पर्म होगा, स्पर्म एक तो ये होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, ये ओवम होगी, ये एक तरह से ये क्या है, ओवम है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में ये होगा, ए होगा, ऑटोसोम होगा प्लस वाई होगा। तो ऑटोसोम और वाई होगा, तो ये भी स्पर्म है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे यक्स है और ऑटोसोम है प्लस यक्स क्रोमोसोम है, तो ये स्पर्म है, ये भी स्पर्म है, और ऑटोसोम है प्लस वाई है, ये भी स्पर्म है। अगर ये वाला फ्यूज किया, अगर ये वाला स्पर्म इन दोनों में से किसी भी ओवम के साथ अगर फ्यूज कर रहा है, तो जो न्यू चाइल्ड होगा, न्यू प्रोजेनी होगा, वो फीमेल होगा। और अगर ये वाला स्पर्म अगर फ्यूज कर रहा है, ये वाला स्पर्म अगर फ्यूज कर रहा है दोनों में से किसी एक के भी साथ, तो ऐसी स्थिति में मेल चाइल्ड का बर्थ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं बॉक्स में ही इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह की हम कंडीशन बना सकते हैं, एक साइड मैंने मेल स्पर्म को लिया, मान लेते हैं मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो हम लिखेंगे ए प्लस, क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे, और मेल इस, और मतलब दूसरे में मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ए प्लस वाई को ले रहा हूँ। आप दोनों कंडीशन में सेम ले सकते हैं, डिफरेंट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन किसके लिए है, मेल के लिए है, और सेम इसी कंडीशन में इन दोनों को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस यक्स हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस यक्स होगा, क्योंकि फीमेल का जो जीन है वो एक तरह से दोनों सेम है। तो इसका क्रॉस आप कराइए, तो ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस यक्स यक्स आया, आया कि नहीं। अब इसमें आप क्रॉस करा के देखिए, ऑटोसोम ऑटोसोम और प्लस यक्स वाई हो गया। इसमें करा के देख लीजिए, इसमें भी आएगा ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस यक्स यक्स होगा, इसी तरह से ऑटोसोम होगा और प्लस यक्स वाई होगा। तो सेम वही कंडीशन आ रही है, मतलब इस कंडीशन में भी आप देखिए, इन दोनों बॉक्स के अंदर जो नया प्रोजेनी होगा वो क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। ये एक तरह का मेल, मतलब एक तरह का क्या, मेल होगा फिलहाल। और इस वाली कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, फीमेल। तो इस तरह से आप
इस तरह से भी इसे डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप सभी के अंदर देख सकते हैं, जैसे मैंने दूसरे नंबर पे चर्चा किया था किसके अंदर, इसमें मैंने देखा था ग्रॉसहॉपर में, तो ग्रॉसहॉपर में देखा गया था क्या, यक्स जीरो वाली कंडीशन थी। तो यक्स जीरो किसके लिए रिस्पांसिबिलिटी शो करता था, मेल के लिए। तो ये मेल के केस में था, यक्स जीरो मेल के लिए था, इसका मतलब यक्स यक्स किसके लिए होगा, फीमेल के लिए होगा। तो यक्स यक्स फीमेल के लिए होगा। तो इसमें भी इस तरह से दो गैमिट बन सकते हैं। तो पहला गैमिट जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस यक्स होगा, ए प्लस यक्स होगा, जीरो तो होगा नहीं, तो ए प्लस यक्स वाला होगा, पहला गैमिट ये बन सकता है। और उसके अलावा इस वाली केस में दूसरा जो होगा, दूसरी जो कंडीशन होगी, ए प्लस क्या होगी, जीरो वाली होगी, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई यक्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसके अलावा इसमें कहाँ पे होगा, इस तरह की कंडीशन ए प्लस यक्स वाली कंडीशन होगी, और दूसरे नंबर पे इसमें क्या होगा, ए प्लस यक्स ही होगा। तो इन दोनों कंडीशन में अब इसको भी आप क्रॉस करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इन दोनों का अगर हम क्रॉस करें, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम क्रॉस करेंगे तो देख लीजिए इसमें भी क्या रिजल्ट आता है। थोड़ा सा बड़ा बनाएं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक मेल वाला, ये ऊपर वाला किसके लिए है, मेल के लिए है, ये नीचे वाले फीमेल के लिए हैं। तो हम लिख दे रहे हैं ए प्लस यक्स लिख दे रहे हैं। दूसरे बॉक्स में हम दूसरे को सिलेक्ट कर लिए, मान लेते हैं ए प्लस जीरो ले लिए, यहाँ पे ए प्लस जीरो ले लिया मैंने। अब इसमें इस इधर वाला ये किसके लिए है, मेल के लिए है, इधर सब मेल के लिए हैं। इस साइड में हम फीमेल को लिखेंगे, तो दोनों में से दोनों को लिख देते हैं, ए प्लस यक्स लिखेंगे और ए प्लस यक्स लिखेंगे। ओके, अब इन दोनों का क्रॉस कराइए, ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस यक्स यक्स आया, आया कि नहीं पहले बॉक्स में। दूसरे में देखेंगे ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस यक्स जीरो आ गया। इसी तरह से यहाँ पर चेक करेंगे तो ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस यक्स यक्स आएगा, और दूसरे बॉक्स के अंदर देखेंगे ऑटोसोम ऑटोसोम प्लस यक्स जीरो। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों बॉक्स में यक्स जीरो दिख रहा है, इन दोनों बॉक्स के अंदर यक्स जीरो दिख रहा है। तो यक्स जीरो किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा, मेल के लिए। तो इसका मतलब इन दोनों बॉक्स से जो न्यू प्रोजेनी होगा वो क्या होगा, मेल होगा, जबकि इधर के दोनों से जो रिजल्ट हमें मिल रहा है यहाँ से वो क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो गैमेट बनेगा वो किस तरह का बनेगा, कैसा होगा, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो में किसी भी तरह की समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।